मोगा की प्राइवेट अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की ओर से मोगा में छठी ज्ञान खड़ग कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जो कि मोगा के आईएफएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी में करवाई गई, जिसमें प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार होबी धालीवाल और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता पुष्पविंदर सिंह सराव ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस कन्वेंशन में मुख्य वक्ता के रूप में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब के प्रधान डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी शामिल हुए। इन सभी का स्वागत मोगा कोर कमेटी की ओर से फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया। ज्ञान खड़ग के बारे में जानकारी देते हुए फेप के कन्वीनर डॉक्टर संजीव कुमार सैनी ने बताया कि ये ज्ञान खड़ग, जो कि पंजाब की शिक्षा के लिए तैयार किए गए रोड मैप की जानकारी देने के लिए पंजाब के हर जिले में जाएगी, जिसकी शुरुआत पहली ज्ञान खड़ग कन्वेंशन पटियाला में हुई थी, जिसके बाद श्री फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, बरनाला और बठिंडा से होते हुई मोगा में पहुंची है, जिसे बठिंडा की कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर चरणजीत कौर ढिल्लों और जय सिंह बराड़ मोगा में लेकर आए हैं और मोगा कोर कमेटी की ओर से इसका भव्य स्वागत किया गया है। इस कन्वेंशन में मोगा जिला के सभी प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट सदस्यों, प्रिंसिपलों और कोऑर्डिनेटरों द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर चेयरमैन प्रवीण, मोगा कोर कमेटी के चेयरमैन कुलवंत सिंह दानी, जसवंत सिंह दानी, कुलवंत सिंह संधु, जगजीत सिंह, जतेंद्र गर्ग, सुनील गर्ग और नरसिंह बराड़ सहित सभी स्कूलों के मैनेजमेंट सदस्य व प्रिंसिपल मौजूद रहे। मोगा से हलचल के लिए निशि मनचंदा की रिपोर्ट। कुछ तो उम्र छोटे, कुछ उम्र छोटे, मैं तुहाडे पहली हाथ ला के तुहानूं फतेह बुलाउणा। सत श्री अकाल। इस करके पहली हाथ इस ला के तुसीं ज्ञान दाता हो, समाज सिरजक हो। मेरी सोच मुताबक समाज तीन बंदे सिरज हो, एक बाप, एक पंजाब पुलिस, तीसरा गुरु ज्ञानदाता। ज्ञानदाता आपके सिख्यार्थी चंगा ज्ञान देवे, चंगी पढ़ाई देवे, चंगी एजुकेशन देवे, चंगे संस्कार देवे, तो बाप में चिर करने की पुलिस में किसी को फड़न की जरूरत है। जिमें जे मैं अपनी हाणियों की गल करा, जिस फेज़ में मैं बिलोंग करता, जिस एज के मैं हाँ, जे मेरे समकाली ने, उन्होंने भी बहुते बच्चे, बहुत ज़्यादा परसेंटेज उन्होंने बच्चों की माइग्रेट होकर बाहर सैट हो चुके हैं, और जिहड़ी साडी जनरेशन है वह तकरीबन अपने घरां विच कल्ली महदूद हो गई है। वो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी ये इसका सोल्यूशन है कि उस किस तरह असी रोक सकते हैं, उस माइग्रेशन को किदा असी बच्चों नूं अपने कंट्री ना बन सकते हैं, अपनी स्टेट ना बन सकते हैं, अपनी मातृभूमि ना बन सकते हैं। सो ये सारिया चुनौतियां जिहड़ियां भी हैगियां ने, किसी किस्म दी होवे ने, भावें वह अकैडमिक्स दियां होण, भावें वह माइग्रेशन का मुद्दा होवे, चाहे वह नैशनल एजुकेशन पॉलिसी नूं इंप्लीमेंट करन दा मुद्दा होवे, वह सारिया का सोल्यूशन लैके असी जिहड़ा हैगा ज्ञान खड़ग लैके असी चले हुए हैं, और लगभग सारे दे सारे 23 दे 23 डिस्ट्रिक्टां विच जाणा है, और इस तों बाद साडियां जिहड़ियां गढ़ कन्वेंशन अगलियां जिहड़ियां हैगियां ने वह ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੀਂ ਪੋਲਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰਿਕ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।